तो लखनऊ में किसान दिवस के मौके पर किसान अधिवेशन का दूसरी किसान पर राष्ट्रीय किसान मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जहां पर इस अधिवेशन में आपको बता दें कि देश के विभिन्न जो किसान संगठन है वो शामिल हो रहे हैं, जहां पर किसान संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आर पार के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पास हुआ है। भाई आप यहाँ वहां गए, पंजाब पंजाब गए, आप सरदार बन गए, आप काशी आते हैं ऊपर रुद्राक्ष पहन लेते हैं बहुत सारे, आप आसाम जाते हैं वहां की माला वाला पहन लेते हैं। अरे तो नौटंकी करने वाले का काम होता है ना ये काम, कोई मतलब कोई नेता का थोड़ी होता है। नेता जैसा है वैसा है, घर में भी वैसे मिलेगा, बाहर भी वैसे मिलेगा, कहीं जाइए वैसे मिलेगा, कोई डिजाइनिंग थोड़ी करता रहता है सुबह शाम। आप संजय जी की फोटो 500 उठा के देख लीजिए आप फेसबुक पर, सब एक ही जैसी मिलेंगी, ढूंढे नहीं मिलेगी कि इसमें अंतर कैसे करें, सब तो एक जैसी आ रही है। अशोक जी की उठा के देख लीजिए। तो धर्म के नाम पर एक तो छलने से बचिए, किसानों को राजनीति करनी चाहिए इस विषय में सोचिए। यहां हमारे जितने पदाधिकारी आए, यहां हमारे जितने कार्यकर्ता है, सीधे शब्दों में बात है भी अब भविष्य में आप लोगों को अपने बीच के व्यक्ति को सदनों में भेजना चाहिए, और अगर आप नहीं भेजेंगे, मुझे लगता था कि जब अन्ना जी ने केजरीवाल जी का विरोध किया था तो वो बात ठीक थी, तब मैं भी इसी बात का पक्षधर था कि राजनीति अलग चीज है, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग अलग चीज है, और उन्होंने सही किया था, वरना उस आंदोलन का तो छोड़िए, देश में किसी शक्ति का ही कोई मतलब नहीं रहा होता। मैंने अन्ना जी को जब अन्ना जी ममता बनर्जी के साथ गए, तब मैंने उनको जाके खुद कहा, मैंने कहा जाना ही था तो आप केजरीवाल जी के साथ चले गए होते, ममता जी के साथ क्यों चले गए, ममता जी के साथ जाने का क्या मतलब है। अरे वो साथ में थे, अच्छे थे बुरे थे आपको नहीं अच्छा लगता, लेकिन थे तो साथ में, और ममता जी का क्या मतलब है। शाम को नाराज हो गए, बोले ममता के भी नहीं जाएंगे, दूसरे दिन ममता जी ग्राउंड में दिल्ली के अकेले खड़ी रह गई। तो विषय राजनीति का है, राजनीति समझनी पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी राजनीति समझना पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है इसके विषय में एक पूरा प्रारूप मुहूर्त बनाना पड़ेगा। आप जितने लोग इकट्ठा हैं, उतने लोग अंदर बाहर जो लोग हैं, अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अवध उत्तर प्रदेश और साथ में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी जमीन पे जाके, किसी भी व्यक्ति का, किसी कार्यकर्ता का वो जवाब नहीं दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे छलावा कर रही है, रोजगार है नहीं, कोई संसाधन बचे नहीं है, वसूली की इतनी बुरी हालात है कि जीएसटी के डर से गांव में लोग दुकान करके भाग जा रहे हैं। अरे मैं उस दिन बाराबंकी गया, वहां लोग सब पूरा बाराबंकी बंद था, मुझे लगा कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, मैंने क्या हो गया, क्यों बाराबंकी बंद है, पता लगा जीएसटी वाले निकल रहे थे, वो तो पुराने वैसे वसूली वाली हो गए हैं जैसे वो टीवी में दिखाते थे कि बहुत पहले, और जैसे औरंगजेब जी को बहुत याद करते मोदी जी की, औरंगजेब के लगान वसूलने वाले आते थे, तलवार अलवार लेकर वसूल के लेके चले जाते थे, वही हालत जीएसटी वालों की आज की डेट में हो गई है पूरे देश में। मैं संजय भाई, आप लोग संजय सिंह जी को सुनना चाहते होंगे, मुख्य अतिथि हैं, मैं बोलूंगा, बोलने का क्या है, बोलते ही रहूंगा, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा सिर्फ आज एक ही प्रस्ताव है, आप लोग इस पे चिंतन करिएगा, फिर आप सब लोग इस पे एक बैठक करके बताइएगा कि राजनीति में कैसे किस दिशा में चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोग जो है माननीय संजय सिंह जी को सुने, क्योंकि मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ कि किसानों को लेकर के उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या है कि सारा किसान आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ा हो। दूसरी बात, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी ने बाकी प्रदेशों में काम किया है, गुजरात में भी काम किया है, हिमाचल में भी काम किया है, सीटों की बात अलग है, दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, तो इस पर मिलजुल के बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संजय जी अगर इस पर कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। सनुजा भाई बुरा मत मानिएगा, मतलब ये जो दर्द था वो मैंने सिर्फ आपसे कहा, क्योंकि आपने पुराने जख्म पूरे दिए, वरना मैं नहीं कहता, ऐसा ना हो आप दिल्ली पहुँचते पहुँचते आप भी निकाल दिए।